गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एचआरडी इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका वार्म वेलकम करते हुए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन ट्रेपीजियम के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक क्वाड्रेचर, वन पेयर ऑफ साइड्स, पैरेलल साइड्स नोन एज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है कि इसकी कम से कम एक साइड पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये एक ट्रेपीजियम है जिसकी ये साइड ए बी सी डी, इसके अंदर साइड ए बी पैरेलल है सी डी, तो ये फिगर आपका ट्रेपीजियम है। अब इस ट्रेपीजियम का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? ये होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम की अपने डेफिनेशन पढ़ी कि एक क्वाड्रेचर हुज वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, जिससे कि आपको ए बी और सी डी साइड आपको पैरेलल दिखी है, तो ये ट्रेपीजियम है। अब इसका एरिया, ये जो एरिया है तो इसको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो इसके अंदर आपकी 1/2 हाइट होगी ये सीधी परपेंडिकुलर, तो इस हाइट होगी आपकी एसी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी कि एबी मल्टीप्लाई बाय सम एबी एडिशन सीडी, ये होता आपका ट्रेपीजियम। अब इस ट्रेपीजियम के बेस पे आज अपन इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम जे टाइप ट्रेपीजियम। अगर एक साइड दी हुई है ट्रेपीजियम की जिसको आपने पी क्यू नाम दिया, इसकी ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ठीक 12 सेंटीमीटर। इसके पैरेलल एक साइड दे दी आपको जिसको आर एस, इसकी लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस और इसको से मैच है। अब अपन को इस ट्रेपीजियम की आप हाइट दे रही थी आपको यहां से ये 10 सेंटीमीटर। अब इस ट्रेपीजियम का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है, तो अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पटाता क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड पी क्यू प्लस आर एस। 1/2 हाइट 10 सम ऑफ पैरेलल साइड्स पी क्यू आपकी है 12 सेंटीमीटर और आर एस आपकी होगी 16 सेंटीमीटर। तो अपन इसको सोल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 12 और 16 28, इसको आपने कट किया ये 40, तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी 140
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्वेश्चन हो गया। अब आगे बात करते हैं अपन रोम्बस। रोम्बस रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस 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 का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री का इंटरसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इस डायग्राम से रोम्बस का एरिया 1/2 प्रोडक्ट डायगोनल्स एसी मल्टीप्लाई बाय बीडी। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 ऑफ द डायगोनल एच 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। आपको रोम्बस का एरिया दिया हुआ है, आपको अदर डायगोनल देखना है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस का एरिया आपको दे रखा है तो, और एक रोम्बस आपको 16 सेंटीमीटर दे रखा है, अदर एक ऑफ भी मान लिया। जैसे आप अपने एक रोम्बस बनाते हैं, अगर आपका एक रोम्बस जिसकी अगर आपको एडी की साइज दे दी है 16, तो आपकी यहाँ पे दूसरा होगा बीसी, और अपन को बीसी क्या करना है, इसको अपन मान सकते हैं ये एक्स है, तो अपन को 240 1/2 मल्टीप्लाई 16 इंटू एक्स, ये हो गया आपका 8, और एक्स का मान 240 अपॉन 8, 8 से गया 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल्स। अदर डायगोनल्स तो आप उनको पता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स,
240 आपका एरिया दिया हुआ है और 1/2 और एक रो डायगनल आपको दिया हुआ है और दूसरा आपने एक्स मान लिया, तो आपको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान आपका क्या प्राप्त हो गया 13 सेंटीमीटर और यही आपका अदर डायगनल होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और करते हैं रोम्बस में। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, अब डायगनल्स आपको 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 8 मल्टीप्लाई बाई 16 यही से कट गया, तो 4 × 16 ये हो गया आपका 64 और एरिया है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर होता है, तो ये आपका एरिया होगा रोम्बस हो गया।